हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और आज फिर से हम पैराडाइज लॉस्ट की आगे की जितनी भी लाइन है उनका एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्रेजेंट हुए हैं। तो शुरू करते हैं। लाइन आज जो हम करेंगे वो 27th लाइन से शुरू करेंगे, क्योंकि 26th तक हमने कर लिया है। एंड जस्टिफाई द वे of God to men, यहाँ तक हमने देख लिया है। और जिन्होंने जो पहली बार इसको देख रहे हैं वो अर्लियर दो वीडियोस देख लीजिए, इसके पैराडाइज लॉस्ट के पहले दो वीडियोस, जिसमें लाइन 1 to 26 को अच्छे से डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं उस पर नहीं जाऊँगी, कंटिन्यू करते हैं। से फर्स्ट फॉर हेवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू नॉर द डीप ट्रैक्ट of hell, say first what cause moved our grandparents in a happy state favored of heaven so highly to fall off from their creator and transgress his will. Sorry, for one restrained lord of the world besides, who first seduced them to that foul revolt, the infernal serpent he it was, whose guile, stirred up with envy and revenge, deceived the mother of mankind, what time his bride had cast him out of heavens with all his host of rebel angels, by whose aid aspiring to set himself in glory above his peers, he trusted to have equaled the Most High, if he opposed, and with ambitious aim against the throne and monarchy of God, raised impious war in heaven and battle proud with vain attempt, him the Almighty Power herald had long flaming from the eternal sky, with hideous ruin and combustion down to bottomless perdition, there to dwell in adamantine chains and penal fire. तो ये अप टू दिस लाइन तक हम देखेंगे, हु ड्रस्ट डिफाई द ओमनीपोटेंट टू आर्म्स, ये पर्टिकुलर हमने देखा है 48-49 लाइन तक। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो जो इस पर्टिकुलर लाइन फ्रॉम 27 to 48, इसमें आफ्टर द इन्वोकेशन, म्यूजेस को इन्वोक करने के बाद, क्रिएटिव स्पिरिट को इन्वोक करने के बाद, मिल्टन प्लंजस इनटू द मिडिल ऑफ द स्टोरी बाय शिफ्टिंग द फोकस टू द सीन इन हेल। अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं कि मिल्टन ने अब अपनी सीन को शिफ्ट किया। उन्होंने पहले बताया कि किस बारे में हम कहानी बता रहे हैं, फिर उन्होंने क्रिएटिव स्पिरिट को इंस्पायर करने के लिए बोला। अब वो मेन टॉपिक पे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन्होंने शिफ्ट कर लिया अपना पूरा फोकस हेल में। इन अ टिपिकल एपिक मैनर मिल्टन आस्क हिज गाइडिंग स्पिरिट टू एक्सप्लेन हाउ एडम एंड ईव्स डिसोबीडियंस अकर्ड एंड रिप्लाई टेक्स अस टू द इन्फर्नल सर्पेंट। अब यहाँ पे जो हमने जैसा अभी बोला आपसे कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, से फर्स्ट फॉर हैवन हाइड्स नथिंग फ्रॉम दाई व्यू, मतलब उन्होंने अब अपनी गाइडिंग स्पिरिट को बोला कि अब आप मुझे बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या था। नॉर द डीप ट्रैक्ट ऑफ हेल से फर्स्ट वॉट कॉज, मतलब ना हेवन ने छुपाया ना हेल ने बताया प्रॉपरली कि क्या ऐसा रीज़न था जिससे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं एडम एंड ईव, उनको अपना पूरा हैप्पी स्टेट छोड़ के, मतलब उनको सिर्फ एक चीज़ गॉड ने मना की थी, राइट, फॉरबिडन ट्री का फल खाने को रोका था, लेकिन उसके अलावा उनके पास सब कुछ था। उनके पास पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करने की पावर थी, उनको सभी क्रीचर्स से गॉड ने सबसे ऊपर का दर्जा दिया, उनको गॉड ने अपने सबसे करीब रखा। उस सब कुछ होने के बाद भी एक ऐसी चीज़ जिसको गॉड ने उनको करने से मना किया था, क्यों किया उन्होंने ऐसा? मतलब आपको सब कुछ दे रहा है एक ईश्वर, आपको इतना मान रहा है, एक काम तो उसने कहा था कि आप मत करो, लेकिन उन्होंने किया। बट वट इज़ द रीज़न, क्यों उन्होंने ये चीज़ चूज़ किया अपने लिए, पेन चूज़ किया? फेवर्ड ऑफ हेवन सो हाईली टू फॉल ऑफ फ्रॉम देयर क्रिएटर एंड ट्रांसग्रेस हिज विल,
मतलब ये क्या रीज़न था जिससे कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, एडम एंड ईव थे, मैनकाइंड के जो पेरेंट्स कहा जाता है, या मैनकाइंड के जो क्या बोला जाए, जो सबसे फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के अपने क्रिएटर से मतलब धोखा क्यों किया, उनके विल के अगेंस्ट जाके उनको डिसओबे क्यों किया। ठीक, अब ये वो जानना चाह रहे हैं अपने क्रिएटिव स्पिरिट से, इसलिए वो इस तरीके का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब हु फर्स्ट सेड्यूस देम फॉर वन रीस्ट्रेन लॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड बिसाइड्स। अब यहाँ पे फिर वो बोल रहे हैं कि ये जो रीज़न था जिसकी वजह से जिसने हमारी मदर ऑफ मैनकाइंड ईव को, यहाँ मदर ऑफ मैनकाइंड का मतलब ईव है, ईव से है, एंड इन्फर्नल सर्पेंट इज द सेटन। ठीक है, तो ये स्टोरी ये हुई थी कि जैसे कि गॉड ने उनको मना किया कि आप उस पेड़ का फल नहीं खाओगे, तो सेटन को एक बहुत ही कनिंग एक विचार आया, ही इज़ वेरी वेरी कनिंग, तो उसने एक सर्पेंट का रूप लिया था और वो उस पेड़ की डाली से लिपटा हुआ था, और उसने ईव को अपने पास बुलाया और उसने बोला ईव से कि तुमको गॉड ऐसा क्यों मना कर रहे हैं, मतलब इस फल में ऐसी क्या बात है जो तुमको गॉड ने इसको खाने से मना किया। उन्होंने ईव को मैनिपुलेट किया, सॉरी उसने ईव को मैनिपुलेट किया सेटन ने, और फिर सेटन ने ईव को मैनिपुलेट करके वो फ्रूट खिलाया, और उसके बाद एडम ने भी उस फ्रूट को खाया। ठीक है, दैट फ्रूट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अब यहाँ सर्पेंट, इन्फर्नल सर्पेंट मीन्स सेटन, और हुज गाइल स्टियर अप द एनवी एंड रेंज रिवेंज, वो चूँकि वो बैटल हार गया था जो कि गॉड और उसके बीच में हुआ था, तो उसको रिवेंज लेना था गॉड से। ठीक है, वो उसके सारे जो फॉलोअर्स थे उनको, वो गॉड से हार गए, ईश्वर से हार गए, और उनको हेल में गॉड ने मतलब भेज दिया। तो इस बात का रिवेंज लिया था सेटन ने ह्यूमन बीइंग से। ठीक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग वाज वेरी वेरी क्लोज टू गॉड, उनके हार्ट के बहुत ही खास, मतलब बहुत ही पास थे ह्यूमन बीइंग, क्योंकि गॉड ने ह्यूमंस को बहुत ही प्यार से बनाया था। ठीक, अब ये चीज़ उसने रिवेंज ली, ये रिवेंज मैनकाइंड से उसने नहीं ली, ये रिवेंज गॉड से उसने ली। ठीक है, ये रिवेंज गॉड के लिए था उसका, कि तुम्हारा मतलब तुम्हारे एक खास चीज़ को मैं तुमसे बहुत दूर कर दूंगा, ये दिमाग में उस सेटन के था, और इसी के प्लान के तहत उसने पहले ईव को मैनिपुलेट किया एंड आफ्टर दैट एडम को मैनिपुलेट किया, और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हुआ, और हम मतलब मैनकाइंड को गॉड ने हेवन से, मतलब पैराडाइज से, ईडन गार्डन से निकाल दिया। तो यहाँ उसी चीज़ की उसी चीज़ का जिक्र हो रहा है, हु फर्स्ट सेड्यूस। ठीक है, मतलब वही इन्फर्नल सर्पेंट दैट सेटन, जिस जो एनवी और रिवेंज के अंदर आके डिसीव किया मदर ऑफ मैनकाइंड, मदर ऑफ मैनकाइंड इज ईव, एंड व्हाट टाइम हिज प्राइड हैड कास्ट हिम आउट फ्रॉम हेवन विद ऑल हिज होस्ट ऑफ रिबल एंजल्स बाय हुज एड एस्पायरिंग। तो वो ये चीज़ अब सेटन के ऊपर मिल्टन ने अपना फोकस किया है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंस का जिक्र करके उसने सेटन पे, मिल्टन ने सेटन पे फोकस किया है पूरे पोएम का, और फिर वही वो बता रहा है कि ये वही इन्फर्नल सर्पेंट था, ये सेटन था। सेटन का ओरिजिनल नाम ल्यूसिफर था, ये गॉड का बहुत ही खास था, मतलब गॉड के बहुत ही करीब था ये, और उसके अंदर ईगो आ गया, प्राइड आ गया। ठीक, उसको लगा कि वो गॉड के इक्विवेलेंट है, और वो गॉड को मतलब गॉड के को अपने बराबर समझने लगा कि मैं गॉड के बराबर हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जब आप सेवन डेडली सिन पढ़ते हो ना, तो उसमें जो सबसे खराब सिन होता है उसको प्राइड कहते हैं। ठीक, प्राइड मतलब अगर आपके अंदर प्राइड आ गया तो आप दुनिया का कोई भी बुरा काम कर सकते हो, जैसे सेटन ने किया। सेटन ने ये काम क्यों किया, क्योंकि वो प्राइड से भर गया था। ठीक, तो यहाँ अब उसी चीज़ की बात होगी जिस बारे में हम अभी बात किए, कि क्या रीज़न था कि हेवन से रिवेल करके वो अपने प्राइड की वजह से, व्हाट टाइम हिज प्राइड,
उसका जो प्राइड था उसको हेवन से बाहर निकाला, मतलब उसके प्राइड का रिजल्ट ये हुआ, सेटन के प्राइड का रिजल्ट ये हुआ कि गॉड ने उसको हेवन से निकाल के बाहर फेंक दिया विद ऑल हिज होस्ट, ठीक है, और उन सभी लोगों को जिसने भी सेटन पे विश्वास किया, ल्यूसिफर पे विश्वास किया, ठीक है, ल्यूसिफर के फॉलोअर्स भी ल्यूसिफर के साथ निकाले गए, और इसीलिए इनको रिबेल एंजल्स कहते हैं, ठीक है। जितने भी फॉलोअर्स थे सेटन के या ल्यूसिफर के, जिसको बाद में सेटन कहा गया, या आप अगर हिंदी में बोलो तो जिसको शैतान कहते हैं, ठीक है, तो शैतान कभी ईश्वर के का बहुत खास हुआ करता था, उसके अंदर घमंड आ गया कि वो ईश्वर के इतना ही शक्तिशाली है, और उसके इस घमंड का नतीजा ये हुआ कि ईश्वर ने उसको जो जन्नत है या स्वर्ग जिसको आप कहते हैं या हेवन, उससे उसको बाहर निकाल के हेल या जहन्नुम या नर्क में उसको फेंक दिया उसके सभी फॉलोअर्स के साथ। To set himself the glory above his peer. अब यहाँ वो बता रहे हैं मिल्टन कि क्या प्राइड आ गया था सेटन के अंदर या ल्यूसिफर के अंदर, उसने खुद को बहुत ही ग्लोरियस समझना शुरू कर दिया था, और उसको ऐसा लगता था कि जो मोस्ट हाई का मतलब यहाँ पे गॉड हैं, ईश्वर हैं, वो अपने आप को उनके इक्वल समझने लगा था, ईश्वर के बराबर खुद को समझने लगा था। इफ़ ही अपोज्ड एंड विद एम्बिशियस एम अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड, अब उसके अंदर ये घमंड आ गया कि वो ईश्वर के बराबर है और वो अब उनकी जो गद्दी है या उनकी जो सत्ता है या थ्रोन है ईश्वर का, वो उस पे बैठेगा, मतलब अब वो गॉड खुद गॉड बनेगा सीधे शब्दों में। उसका ये एम्बिशियस एम जो था कि खुद गॉड बनने का, एक बहुत ही इम्पायस वॉर का मतलब हो गया बहुत ही अपवित्र कोई चीज़, शुरू हो गई, बैटल शुरू हो गया हेवन और हेवन के अंदर, ठीक है। उस समय सभी एंजल्स हेवन में ही रहते थे, और ये वो थ्रोन को पाने के लालच में सेटन और उसके ल्यूसिफर और उसके सभी फॉलोअर्स ने ईश्वर के अगेंस्ट एक वॉर शुरू कर दिया, और ये वॉर हेवन में हुआ, और एंड बैटल प्राउड विद द वेन अटेम्प्ट। लेकिन हम जानते हैं कि ईश्वर कौन है, राइट, उनको उनसे आप जीत सकते हो, जो क्रिएटर है पूरे ब्रह्मांड का, आप उसको कैसे हरा सकते हो, ये ख्याल ही अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। तो ये चीज़ उसकी वेस्ट थी, ठीक है, वो इतना प्राइड में, इतना घमंड में था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया ल्यूसिफर कि उसको लगा कि वो क्रिएटर को हरा सकता है। सी व्हाट इज़ द, इसी को कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, राइट, अगर आपका लॉस होना है तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे उसके साथ हुई, और वो एक बैटल शुरू हो गया हेवन के अंदर, और ये बैटल का रिजल्ट एज यूजुअल वी ऑल नो एक वेन अटेम्प्ट था, एक यूजलेस अटेम्प्ट था, और इसका रीज़न क्या हुआ, हिम द ऑलमाइटी पावर हर्ल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द इथर्नल स्काई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑलमाइटी गॉड हैं उन्होंने क्या किया, जैसे इन लोगों ने सेटन और उसके फॉलोअर्स जो वॉर हार गए, तो गॉड ने उनको क्या किया, उनको बहुत ही नीचे जहन्नम में उनको फेंक दिया, और वो जो जगह है जहन्नम जिसको कहते हैं, वो एक बहुत ही अंधेरी जगह है जो कि फायर मतलब आग से बनी हुई है, ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है। एंड सब कुछ इथर्नल फ्लेमिंग फ्रॉम द, मतलब वही सब कुछ ख़त्म हो गया, और वो उसको एकदम मतलब जहन्नम में उसको उठा के फेंक दिए गॉड ने। तो ये सारी चीज़ें अब तक हमने यहाँ देखी। एंड इन द एडमेंटाइन चेन एंड द पीनल फायर हु ड्रस्ट डिफाई ओमनीपोटेंट टू आर्म्स। तो यहाँ पे जो ये एडमेंटाइन चेन है, अनब्रेकेबल चेन, एडमेंट वॉज द मिस्टिकल सब्सटेंस ऑफ इनपेनिट्रेबल हार्डनेस, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एडमेंट अनब्रेकेबल चेन में उसको बांध के वहाँ पे उन्होंने, गॉड ने उसको फेंक दिया था। और र्यून मतलब एज़ यूजुअल जो आप जान रहे हो कि फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, ठीक है, एक बहुत ही ऊँचाई से गिर जाना और सब कुछ ख़त्म कर देना। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट जो इसके
जो भी वर्ड्स थे आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. एंड पीनल फायर हु ड्रस डिफाई द ओमनीपोटेंट टू आर्म. ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट है, और उसको ओमनीपोटेंट जो सब कुछ जानता है. ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है हर जगह प्रेजेंट, और ओमनीपोटेंट मतलब कि सक्षम है सब कुछ में, अपने आप में वो सक्षम है हर चीज़ करने में. तो वो यहाँ पे यही चीज़ बता रहे हैं कि ओवरऑल गॉड एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही उनको मतलब आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज़ गॉड, और सेटन ने किस तरीके की बेवकूफ़ी की थी. एक क्रिएटर को आप हराने चले थे, तो यहाँ पे वही चीज़, उसी चीज़ को मिल्टन ने अपने शब्दों में, अपने भाषा में यहाँ पे हमारे सामने रखने की कोशिश की है अप टू लाइन 49. आई होप कि आपको ये लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं क्लियर कर सकूँ. वैसे मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की सोची, मतलब कोशिश की है कि सब कुछ आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली व्हाट इज़ पैराडाइज लॉस्ट इज़ अबाउट. तो नेक्स्ट जो लेक्चर करेंगे वो अप टू 50 लाइन से शुरू करेंगे. 50 से होप करेंगे कि 83 लाइन तक हम कवर करें, 83-85 तक, ताकि जल्दी हो, बिकॉज इट काफ़ी ज़्यादा बुक वन काफ़ी बड़ी है. तो ठीक है, इसको आप देखिए, अगर कुछ डाउट रह गया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.